नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पिछले कुछ समय से बाबा का ढाबा काफ़ी सुर्खियों में है। इसका मुख्य कारण है कि एक फेमस यूट्यूबर गौरव वासन ने अपने YouTube चैनल पर बाबा के ढाबा की एक वीडियो वायरल की थी। उस वीडियो में वो दिखाते हैं कि बाबा बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, बावजूद इसके उसका खाना नहीं बिक पाता और उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। इसके बाद गौरव वासन ने उस यूट्यूब वीडियो के नीचे अपना बैंक स्टेटमेंट, अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया, जिसके थ्रू काफ़ी लोगों ने बाबा की मदद की, यानी कि काफ़ी सारा डोनेशन गौरव वासन के अकाउंट में आया। इसके बाद गौरव वासन ने लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसमें से उसने 78,000 रुपए कैश दिए, बाकी 3 लाख रुपए बाई चेक दिए। यानी कि गौरव वासन ने 3,78,000 रुपए ढाबे के मालिक कांता प्रसाद को दे दिए, जबकि कांता प्रसाद का कहना है कि गौरव वासन ने एनजीओ से मिले लगभग 20 से 25 लाख रुपए का गबन किया है। वहीं गौरव वासन का कहना है कि उसने इस प्रकार का कोई गबन नहीं किया। साथ ही गौरव वासन मानहानि के चलते कांता प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। गौरव वासन ने कहा है कि अगर यदि उस तरह की उसकी मानसिकता होती तो वो पहले ही कांता प्रसाद को इतना फेमस नहीं करते, वो उनकी मदद करना चाहते थे। इसमें वो उनसे रुपए लेने या उनके रुपए लूटने की मानसिकता नहीं रखते थे। इसके साथ ही गौरव वासन ने कहा कि ये सब बाबा अपनी मर्जी से, यानी कि अपनी बुद्धि से कर रहे हैं या फिर ऐसा उनके द्वारा कोई और करवा रहा है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से लोगों का मानवता से विश्वास उठ जाएगा, लोग आगे से किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस सब के चलते गौरव वासन ने मानहानि का केस दर्ज करवा दिया है। दोस्तों, कांता प्रसाद के खिलाफ हुए इस केस को बहुत सी जगह पर 2020 का सबसे बड़ा इमोशनल स्कैम बताया गया है, जिसमें किसी गरीब व्यक्ति के इमोशंस के साथ खेलकर एक फेमस यूट्यूबर ने कई लाखों रुपए जब्त कर लिए। दोस्तों, क्या ये सच है या ये झूठ है, इसका अभी हम भी कुछ नहीं कह सकते। इसका सब पता चलेगा जब इस केस का पूर्णतया खुलासा होगा। फिलहाल के लिए गौरव वासन इसके खिलाफ हैं। गौरव वासन का कहना है कि उसने इस प्रकार के किसी भी 20 से 25 लाख रुपए का गबन नहीं किया है। गौरव वासन ने कहा कि ये सब उनकी छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल गौरव वासन ने कांता प्रसाद के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। इससे कांता प्रसाद की मुश्किलें शायद काफ़ी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, इस समय आप क्या सोचते हैं? क्या गौरव वासन ने उसकी मदद करके सही किया या गलत किया? क्या कांता प्रसाद को उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए थी? क्या गौरव वासन ने उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करके सही किया? आप भी आम जनता होने के नाते अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।